सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। पहले चरण में मेवात, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पर यात्रा निकाली जा रही है। 21 दिसंबर को प्रवेश करने के बाद 22 दिसंबर अर्थात आज यात्रा घासेड़ा पहुंची। घासेड़ा वह गांव है जहां पर 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहुंचे थे और यहां पर रुककर मुस्लिम समुदाय के लोगों को संदेश दिया था। संदेश भी खासा महत्वपूर्ण था क्योंकि जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, जो मुस्लिम समुदाय के लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, महात्मा गांधी यहां पर मुस्लिमों को रोकने के लिए मेवात पहुंचे थे और उनका संदेश काम भी किया। क्योंकि हरियाणा की बात करें तो मेवात एक बड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में राहुल गांधी ने घासेड़ा गांव पहुंचकर एक बड़ा संदेश दिया। क्योंकि 20% आबादी, यात्रा को कहा नॉन राजनीतिक, गैर राजनीतिक कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं घासेड़ा पहुंचकर महात्मा गांधी जहां पर पहुंचते वहां पहुंचकर एक रुकना और कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करना, एक पूरे देश के एक समुदाय को संदेश देना है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा से हरियाणा को क्या लाभ मिलेगा, हरियाणा कांग्रेस को क्या लाभ मिलेगा। प्राथमिक तौर की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। हालांकि हो सकता है कि यात्रा के दौरान साथ हो, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस के नेता जो कि 4 से 5 धड़ों में बटे हुए हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सूर्यवाला वाला गुट की बात करें, कुमारी सहजा की बात करें, कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें, हुड्डा गुट की बात करें, तमाम ऐसे लोग यात्रा में साथ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि यात्रा दिलों को कितना जोड़ पाती है, क्योंकि नाम भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे में कांग्रेस को कितना जोड़ पाएगी एक बड़ा सवाल। लेकिन कुछ भी हो, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से यात्रा चल रही है, 23 तारीख को फरीदाबाद लोकसभा में ये प्रवेश करेगी, इसके बाद दिल्ली यात्रा निकल जाएगी, राजघाट पहुंचेगी। ऐसे में पहला चरण, 3 दिन का पहला चरण हरियाणा का समाप्त हो जाए, उसके बाद पानीपत से एक बार फिर से यात्रा को शुरू होना है। ऐसे में और कहीं ना कहीं पानीपत में एक बड़ी जनसभा भी संबोधित होनी है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव है 2024 उसका भी आगाज कहीं ना कहीं इससे हो जाए। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता, कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस का दूसरा नाम हुड्डा को माना जाता है, कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी पूरी ताकत दिखाने में लगे रहे। लेकिन बड़ा संदेश यह है कि दाल सिंह जो कि महेंद्रगढ़ से विधायक है, पूरी यात्रा के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा से कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में जिस तरह से रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलते हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव की जो आत्मीयता दिखाई दी, कहीं ना कहीं वो भी बड़ा संदेश है कि कांग्रेस में, कांग्रेस के भीतर की बात करें तो जो कैप्टन परिवार है आज भी कहीं ना कहीं सीधी पहुंच रखता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मंथन हो रहा है, वो भी एक बड़ा संदेश दिया गया कि अभी भी कैप्टन अजय सिंह यादव की जो गांधी परिवार है उसमें एक सीधी पहुंच के तौर पर उनको दिखाया गया। दूसरी बात करते हैं अहिर रेजिमेंट की। अहिर रेजिमेंट के माध्यम से भी दक्षिण हरियाणा के मतदाताओं को साधने का प्रयास हुआ। बात करें दक्षिण हरियाणा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और हर घर एक ऐसा है जहां पर वीर सैनिकों का एक इतिहास है। कोई भी लड़ाई हो, देश की स्वतंत्रता की बात करें या फिर आजादी की बात करें या फिर बात करें सभी युद्ध की, बांग्लादेश के अलग होने की बात करें या रजांगला की बात करें, चाइना वार की बात, तमाम ऐसे युद्ध जो कि दक्षिण हरियाणा के जो वीर सैनिक थे उनका इतिहास, जो उनका बलिदान है, हमेशा याद किया जाता है। लगातार 9 महीने से अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर गुरुग्राम के खिड़की दौला पर आंदोलन भी चल रहा है, लगातार लाठीचार्ज की बात भी सामने आई। लेकिन जिस तरह से अहिर रेजिमेंट की मांग के साथ साथ जो पूर्व सैनिक हैं वीरवार को राहुल गांधी से भी मिले, कहीं ना कहीं अहिर रेजिमेंट की बात करें, फिर अग्निपथ योजना की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दों को रखा गया और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस सैनिकों के साथ खड़ी हुई, क्योंकि ये वही अहिरवाल है जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी रैली रेवाड़ी से शुरू की थी भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर, और उसका जन समर्थन भी मिला। आज भी उसी का परिणाम है कि हरियाणा में 10 की 10 सीट भाजपा के पास है लोकसभा की, और विधानसभा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा का एक बड़ा अहम योगदान है
प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गैर राजनीतिक इसको नाम दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने का प्रयास जरूर है। और कहीं ना कहीं जो कि दक्षिण हरियाणा है, जो सैनिकों की खान है, जिस तरह से अधिरेजिमेंट को लेकर एक मुलाकात रखी गई, चर्चा की गई, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम मायने रखती है। पूरी अधिरेजिमेंट की बात करें या फिर दक्षिण हरियाणा में मैसेज की, कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव, उनका भी जिस तरह से एक दिखाया गया, कहीं ना कहीं जो एक राहुल गांधी के साथ जो चलती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही है, और जिस तरह से राहुल कंधे पर हाथ रखकर बड़ी आत्मीयता के साथ बात करें, कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं मैसेज छुपा है कि गांधी परिवार के भीतर अभी भी जो कैप्टन परिवार है, क्योंकि शुरुआत के दिनों की बात तमाम इस तरह के मैसेज आते हैं, लेकिन यह भी कहने की यात्रा में हर कोई नेता अपनी राजनीति मजबूत करता हुआ भी दिखाई देता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो गांधी परिवार है उसके प्रति जो उनकी आस्था है, उसको भी एक संदेश देने में चाहते हैं, ताकि अपने मतदाताओं को बताया जा सके कि उनकी नजदीकी गांधी परिवार से आ रही है। तमाम नेताओं का की ओर से प्रयास है, लेकिन देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा नाम जो है कांग्रेस जोड़ो भी जरूर होना चाहिए था। जिस तरह से धड़ों में कांग्रेस बैठे, ऐसे कितना कांग्रेसों को आपस में भारत जोड़ो यात्रा जोड़ पाती है आने वाले समय में देखना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस कितनी मजबूत होती है इस यात्रा के बाद, यह देखने वाला समय होगा। नमस्कार।